विश्वात्मा रोकथाम दिवस पर सिविल हॉस्पिटल सुपेला में नाट्य प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित नाट्य प्रस्तुति में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से सिविल हॉस्पिटल सुपेला में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी गई। नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भारत में तेजी से बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं, उसके कारणों आदि को लेकर प्रस्तुतियां दी। नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को एक संदेश भी दिया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल सुपेला में मानसिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित डॉक्टर और उनकी टीम ने मरीजों की जाँच की। शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण भी किया गया और उन्हें दवाइयां देने के साथ ही परामर्श भी दिया गया। सभी आयोजनों में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। आयोजन की जानकारी जिला अस्पताल दुर्ग की रानू नायक ने दी। हम जिला अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काम करते हैं जिला अस्पताल में, और अभी हम सुसाइड प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 6 से 12 तारीख तक है। तो आज हम यहाँ पे सिविल अस्पताल सुपेला में हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया हुआ है नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा, और हम यहाँ पे एक मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी वहाँ पे ओपीडी में हमने प्लान किया हुआ है। अभी एक सप्ताह तक, जैसे कि आपको पता है कि सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़, भारत, ये सभी अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पे सुसाइड को रोकने के लिए कुछ प्लानिंग की हुई है, और जिसके तहत अभी हमारे जिला अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काउंसलिंग, परामर्श, ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो अभी हम जो एक हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और आपके हॉस्पिटल में हमने ये जांच परीक्षण आयोजित किया हुआ है ताकि सुसाइड का जो रेट बढ़ता जा रहा है हम उसमें थोड़ी कमी ला सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि जिनको अगर डिप्रेशन की परेशानी हो रही है तो इस डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं, आत्महत्या की जो दर है उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहरहाल छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। इससे मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है, उन्हें उचित परामर्श देने के साथ ही मार्गदर्शन भी किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की नाट्य प्रस्तुति, मानसिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर आयोजित करने की बातें आयोजकों ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।